कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए राणा एजुकेशन को और करे अपने NCHMCT JEE UGC NET का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो जैसे मैंने कहा था कि NCHMCT एग्जाम के 2 महीने पहले नोटिफिकेशन आउट करता है, गाइस बिल्कुल वैसे ही हुआ है। NCHMCT ने NSTED की नोटिफिकेशन आउट कर दी है और आज से ही 27 अगस्त से ही इसके फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जो है वो गाइज शुरू हो चुका है। मैंने कहा था आपसे कि जैसे ही NCHMCT NSTED की नोटिफिकेशन आउट करेगा, राणा एजुकेशन एक और बैच लाइव क्लासेस का शुरू करने वाला है गाइज 4 सितंबर से। जी बिल्कुल, 4 सितंबर से हम लाइव क्लासेस का एक और बैच शुरू करने वाले हैं। क्लासेस चलने वाली हैं आपकी 4 नवंबर तक और आपको पता होना चाहिए कि 4 नवंबर को आपका NSTED 2023 का एग्जाम होने वाला है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि टाइम टेबल क्या है और कैसे हमारी क्लासेस चलने वाली हैं, वो कहाँ पे क्लासेस होने वाली हैं, मेरी ऐप एंड एवरीथिंग। अभी हम टाइम टेबल डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके गाइस, तो ये रहा टाइम टेबल, यू नो टाइम टेबल ऑफ ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स NSTED 2023 और हमारा ये बैच 3 है। हमारा बैच 1 जैन और फेब में हुआ था, बैच 2 हमारा अप्रैल में जून में हुआ था और अभी थर्ड बैच हम शुरू करने वाले हैं। कब से हमारा बैच शुरू होने वाला है? 4 सितंबर 2023 टिल 4 नवंबर 2023। 60 डेज की लाइव क्लासेस गाइस रहने वाली हैं और हम कंप्लीट सिलेबस जो है उसको कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, तो टाइमिंग अगर हम बात करें, टाइमिंग क्या रहने वाली है? टाइमिंग रहेगी आपकी 7 to 8 PM इवनिंग में, डेली आपकी क्लासेस होंगी मेरी ऐप में, है ना, 7 PM to 8 PM एंड मंडे टू थर्सडे। ओके, एंड फ्राइडे एंड सैटरडे जो है वो आपके मॉक टेस्ट रहेंगे। तो जैसे मंडे से सैटरडे या टिल थर्सडे को सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसके आपको फ्राइडे सैटरडे मॉक टेस्ट मिलेंगे और क्लास के बाद भी आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। मींस आफ्टर एवरी क्लास आफ्टर 8 पीएम आपको मॉक टेस्ट मिलेगा और फ्राइडे सैटरडे को क्लास मेरी नहीं होती है तो वहां पे आपको ओनली मॉक टेस्ट मिलेंगे। ओके, संडे हम क्या कवर करने, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम बचा है ना। जो पुराने बच्चे हैं वो तो एक बार उनकी प्रिपरेशन हो चुकी है, वो एक बार क्लास लगा चुके हैं, लेकिन जो अभी जो नए बच्चे एनरोल होंगे उनके पास टाइम बहुत कम रहेगा, तो हमें संडे भी वेस्ट नहीं करना है। ऑन एवरी संडे गाइज आपको जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं NSTED के, वो इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, ताकि आप अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट कर पाओ कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की चली हुई है। ऑलराइट, मूविंग अहेड, मैंने कहा कि 4 सितंबर से हम क्लासेस को शुरू कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, हम उल्टा चलने वाले हैं, हम पेपर 3 पहले करेंगे क्योंकि वो 100 उसमें क्वेश्चंस आते हैं, 200 नंबर का होता है पेपर 3। तो 4 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक पूरा महीना हम क्या करने वाले हैं? पेपर 3 पढ़ने वाले हैं गाइस। पेपर 3 आप सबको पता है, पेपर 3 में 4 पार्ट्स रहते हैं। सबसे पहले हम 4 सितंबर से लेके 9 सितंबर तक कवर करने वाले हैं हाउसकीपिंग। ओके, आदतन 4 को लेक्चर रहेगा, 5 को, 6 को, 7 को, इस पूरे वीक में हम हाउसकीपिंग कवर करने वाले हैं। 8 एंड 9 को आपको मिलेंगे हाउसकीपिंग के क्लास टेस्ट। ओके, देन 11 सितंबर से लेके 16 सितंबर तक हम करने वाले हैं फ्रंट ऑफिस। अगेन 25 क्वेश्चंस यहां से आएंगे, है ना। सो 11 12 13 14 सितंबर को आपके फ्रंट ऑफिस की क्लासेस होंगी, पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा आपके, जो मेन मेन टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना। 15 और 16 सितंबर को आपको गाइस फ्रंट ऑफिस के क्लास टेस्ट मिलेंगे। ओके, 18 सितंबर से लेके 23 सितंबर तक हम कवर करने वाले हैं फूड प्रोडक्शन, अगेन 25 क्वेश्चंस। ओके, 22 एंड 23 सितंबर को प्रोडक्शन के क्लास टेस्ट, देन 25 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक हम कवर करेंगे F&B सर्विस, अगेन 25 क्वेश्चंस, है ना, एंड उसके बाद इसके क्लास टेस्ट। ऑलराइट,
तो गाइज इनके ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं, जो प्रीवियस हमारे लाइव क्लासेस हुई थी, है ना, वो सारे वीडियोस भी आपको कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, तो हम जो मेन मेन टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एंटायर सिलेबस के, वो कवर किए जाने वाले हैं और आपके डाउट्स क्लास में ही सॉल्व किए जाएंगे। पेपर थ्री खत्म करने के बाद हम शुरू कर देंगे पेपर टू, सबसे टिपिकल पेपर जो जिसको मैं मानता हूं, है ना, क्योंकि पेपर वन आपका जनरल पेपर होता है, पेपर थ्री आपका सब्जेक्ट से आता है, जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं जो आपने डिग्री में पढ़े होंगे, लेकिन पेपर टू में ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको डिग्री में हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स, जनरल मैनेजमेंट, है ना, एंड न्यूट्रिशन। ओके, तो यहाँ से आपके गाइज 50 क्वेश्चंस आते हैं और ये सबसे टिपिकल पेपर मैं इसको मानता हूँ, है ना, और सबसे टफ भी कह सकते हैं इसको। तो हम शुरू करेंगे फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन 2 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक। ओके, ये हमारी क्लासेस चलेंगी डेली, देन इसके क्लास टेस्ट में आपको मिलेंगे, है ना। देन ये खत्म करने के बाद 9 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक हम करेंगे होटल अकाउंट्स विद मॉक टेस्ट, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, इन डेट्स को हम इसके लेक्चर कर रहे होंगे। तो 13 तक इनकी क्लासेस चलेंगी, देन 14 अक्टूबर को आपको मिलेगा होटल अकाउंट्स का क्लास टेस्ट। ओके, देन इसके बाद हम करेंगे 16 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर तक हम करने वाले हैं मैनेजमेंट विद मॉक टेस्ट। ओके, एज फूड साइंस, मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स तीनों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो ये हम कवर करेंगे 16, 17, 18, 19 को इनके लेक्चर्स होंगे, एंड देन आपको इनके आपको 21 को आपको मैनेजमेंट का क्लास टेस्ट मिलेगा। ओके, और साथ में आपको पेपर टू के प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे, ताकि आपके साथ में इवेल्युएशन भी गाइज होती रहे। आप एक और चीज यहाँ पे नोट कर सकते हैं, वैसे मैंने कहा था कि क्लासेस मंडे से थर्सडे होंगी, लेकिन यहाँ पे हमने फ्राइडे भी क्लासेस रखी, क्योंकि हमारा हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। ओके, देन गाइज ये कवर करने के बाद हम कवर करेंगे 23 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक हम कवर करने वाले हैं पेपर वन, है ना। आपको बताया पेपर वन एक जनरल पेपर होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड उसमें पूछा जाता है, देन आपका रिसर्च जो है रिसर्च एप्टीट्यूड उसमें क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो टीचिंग के आपके कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको गाइस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, है ना। देन रिसर्च के क्वेश्चन होंगे 5 या 6 या 7 क्वेश्चन रिसर्च के होंगे, एक आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, है ना, हम ये भी डिस्कस करेंगे। ओके, देन आपके रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे, एंड आपका यहाँ पे थोड़े से जीके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो पूरा हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज ये हमारा पूरा टाइम टेबल रहने वाला है। उसके बाद 2 नवंबर को हम आपको देंगे क्वेश्चन पेपर ऑफ एनएसटेट फैब 2023 एज अ मॉक टेस्ट। इसी साल फैब में आपका एग्जाम हुआ है, उसको मॉक टेस्ट में कन्वर्ट करेंगे और आपको यहाँ पे दिया जाएगा फॉर योर प्रैक्टिस। ओके, 3 तारीख तक हम सब कुछ पढ़ के खत्म कर चुके होंगे। 3 तारीख को हम डिस्कस करेंगे एग्जाम स्ट्रेटजीज क्या रहती हैं, नेगेटिव मार्किंग आपने कैसे हैंडल करनी है, आपको पता है 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ओके, जो कि बहुत ज्यादा है। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आपको बताए जाएंगे एंड क्वालिफाइंग टेक्निक्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये आपको यहाँ पे गाइज बताया जाएगा। तो ये हमारा एक टाइम टेबल है गाइज, इसके अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस चलने वाली है 60 डेज, 4 सितंबर से लेके 3 नवंबर तक हम तीनों पेपर को पढ़ने वाले हैं विद लॉट ऑफ मॉक टेस्ट। इतने मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे कि आपकी जो ऑक्सफोर्ड्स की बुक्स होती थी, आप ग्रेजुएशन में आपको याद होगा प्रोडक्शन सर्विस फ्रंट ऑफिस एंड हाउसकीपिंग, वो सारे के सारे बुक्स जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे मॉक टेस्ट में कन्वर्ट करके आपको इस कोर्स में दिए जाएंगे। ओके, तो गाइज ये टाइम टेबल है, इसकी जो पीडीएफ है गाइज वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं गाइज कि ये कोर्स कहाँ पे है और कैसे क्लासेस होने वाली हैं और इसका प्राइस क्या है। ओके, तो गाइज ये रहा वो कोर्स, कंप्लीट कोर्स ऑफ एनएसटेट एडवांस। ओके, अब ये कोर्स कहाँ पे है गाइज, ये कोर्स मेरी एप्लीकेशन राणा एजुकेशन पे है, उसे आपको डाउनलोड कैसे करना है, उसको इंस्टॉल कैसे करना है, उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक अभी आपको आई बटन में दिख रहा होगा और उस वीडियो का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से जाके उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद गाइज आप जाएंगे स्टोर पे, स्टोर पे जाने के बाद आप ढूंढेंगे एनएसटेट। ओके, और एनएसटेट में 7 या 8 कोर्सेज हैं, आपने किस पे क्लिक करना है, कंप्लीट कोर्स ऑफ एनएसटेट एडवांस। ओके, अब गाइज मैं आपको बता दूं इसके कंटेंट, अगर आपको मैं दिखा दूं तो आप कंटेंट इसका देखिए,
कंटेंट में आपको गाइज यहाँ पे पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री तीनों मिल जाएंगे. ओके, सिलेबस है पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, मतलब ये कंप्लीट पैकेज है. और इस पूरे कंटेंट पे है ना, इसमें क्या क्या है, कितने वीडियोज हैं, कैसे मॉक टेस्ट हैं, उस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक अगेन आपको आई बटन में दिख रहा होगा. वहां से आप इस वीडियो को देख के ये समझ सकते हैं कि इस पूरे कोर्स में, पूरे कंटेंट में आपको क्या क्या मिलने वाला है. ओके, तो कंटेंट की बात तो आप इस वीडियो से देख सकते हैं. अब आते हैं मेनली इसके प्राइस पे, है ना. तो गाइज इस कोर्स के दो प्राइस रखे हुए हैं. ओके, अगर आपको 2 months की वैलिडिटी चाहिए, मीन्स आपको 4 November तक वैलिडिटी चाहिए, तो अब इसका प्राइस आपको पड़ेगा 3000. ओके, और अगर आपको 6 months की वैलिडिटी चाहिए, देन इसका प्राइस आपको पड़ेगा 5000, है ना. आप क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं हमारे, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने इस कोर्स को एनरोल किया हुआ है, तो उन सब ने 6 months की वैलिडिटी ली थी, यू नो, अप्रैल, मई, जून में जब हमारा सेकंड बैच चला हुआ था, तो वो अभी तक इस कोर्स में बने हुए हैं. मैंने उस टाइम भी कहा था कि वेट मत करिए, क्योंकि NCHM बिल्कुल 2 महीने पहले एग्जाम की नोटिफिकेशन निकालेगा और आपके पास टाइम नहीं बचेगा पढ़ने के लिए. ओके, तो उस टाइम तो, क्योंकि 6 months की वैलिडिटी के लिए इसका प्राइस 5000 है, लेकिन अभी जो थर्ड बैच हमारा चलने वाला है, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको सिर्फ 2 months की वैलिडिटी चाहिए, जिनको सिर्फ एग्जाम तक इसकी प्रिपरेशन करनी है, तो गाइज उसके लिए इसका प्राइस आपको पड़ेगा 3000. आज सुबह मेरे 3-4 बच्चों ने, जो पुराने बच्चे हैं जिनकी वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है, उन्होंने पूछा था कि सर हमें दोबारा से एनरोल करना है तो हमें क्या चार्जेस पड़ेंगे, तो उनको मैं बता दूं कि उनको भी 3000 चार्जेस पड़ेंगे 2 months की वैलिडिटी के लिए, जिसमें वो सारी लाइव क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे. ओके, अगर इसको बाई करेंगे गाइस, तो बाई करते टाइम वहां पे ऑप्शंस आएंगे, है ना. आप या तो 2 months वाला ले लो या 6 months वाला ले लो, वो आपकी मर्जी है. ओके, आप जब इसको बाय कर लेंगे, पेमेंट कर देंगे, तो आप स्टूडेंट्स में ऐड हो जाएंगे और 4 September से हम इसकी लाइव क्लासेस को शुरू कर देंगे, है ना. इस कोर्स के रिगार्डिंग जितने भी डेमो क्लासेस हैं, आपका डाउट हो सकता है कि रिकॉर्डेड वीडियोज कैसे हैं, लाइव क्लासेस कैसे होती हैं, मॉक टेस्ट कैसे होते हैं, आज तक कितने बच्चों ने इसमें क्वालिफाई किया है, तो हमारे एक बच्चे ने ऑल इंडिया रैंक उसका 4 आया था, 2 बच्चों का हमारा TA क्वालिफाई हुआ है, 1 बच्चे का AL क्वालिफाई हुआ है, उन पे मैंने अलग से वीडियो बनाया था, उसका लिंक अभी आपको आई बटन में दिख रहा होगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिंक उसका दिया हुआ है. सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपका कोई भी डाउट है इस कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, है ना. और इस वीडियो के लास्ट में आपको मेरी ईमेल आईडी, मेरा सेल नंबर, फोन नंबर मिल जाएगा, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं अगर आपके पास आपका कोई भी डाउट है इस कोर्स के रिगार्डिंग. सो आई होप आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे एंड सी यू ऑल ऑन 4 September इन द क्लास. टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.